हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम खट्टी मीठी चटनी बनाते हैं, जो चाट में, दही बड़े में, सब में यूज़ होती है। तो आइए स्टोर करके रखें इसको, बनाएं। और आप सप्ते 15 दिन, महीने, जैसे रखना चाहें वैसे बना के रख सकते हैं इसको स्टोर करके। तो चलिए बनाते हैं दोस्तों। ये देखिए कितनी यमी यमी लग रही है ना देखने में खट्टी मीठी चटनी। इधर मैंने ले लिया चीनी, इधर आमचूर ले लिया है, गुड़ ले लिया है, इधर ले लिया भुना जीरा, सॉल्ट पाउडर है, इधर काली मिर्च और काजू ले लिए हैं थोड़े से। ये है मेलन सीड, खरबूजे के बीज, और इधर थोड़ी सी किशमिश ले लेंगे। आपके पास जो अवेलेबल हो, जो भी ड्राई फ्रूट हो आपके पास हो वो डालिए, और नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं जो मैंने डाले वो डालिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको पसंद है वो डाल दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर ले लेंगे नमक, तो चलिए सादा नमक है, काला नमक भी डालेंगे और थोड़ी सी हींग भी हम डालेंगे। ठीक है, तो जब मैं बनाऊंगी तो देखिएगा दोस्तों, सिंपल तरीका है, झटपट बन जाती है। गुड़ से नहीं, चीनी से भी बन सकती है। अगर आप चीनी का बनाना चाहें तो चीनी से बना सकते हैं, जितना हमने गुड़ लिया वो चीनी भी ले सकते हैं उसकी जगह पर। तो मेरे को गुड़ की बनानी थी। ये देखिए 1 कप गुड़ लिया है मैंने, तो 1 कप पानी भी ले लिया है, आप 1/2 कप भी ले सकते हैं, जैसे आपको करनी है थिकनेस इसकी जैसी रखनी है। तो बस खाली बॉईल नहीं करना है इसको, बहुत खाली गुड़ मेल्ट हो जाए हमारा हल्का सा, उसको बंद कर देंगे। गैस की फ्लेम बंद कर दिए दोस्तों, इधर ठंडा हो जाएगा हल्का सा। इधर हमने ले लिए कढ़ाई, कढ़ाई लेने के बाद 2 चम्मच या 1 चम्मच से ज़्यादा तेल ना लगाइएगा, हल्का सा तेल लगेगा। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, मैंने सरसों का ऑयल लिया है, इधर सरसों का तेल लिया है। बाकी यहाँ भुना जीरा हमने थोड़ा डाला है, इसको भून लेंगे। जैसे जीरा हमारा क्रैकल होगा, हींग डाल दिए थोड़ी सी। तो जैसे ये जीरा और हींग भून जाएगा, गुड़ का जो पानी रखा था वो हम इसमें स्ट्रेन कर लेंगे छन्नी से। आप देखिएगा दोस्तों इसमें कितना कचरा है, तो पानी से मेल्ट गुड़ हो गया है, क्योंकि गुड़ में कचरा होता ही है, इसलिए ध्यान रखिएगा आप भी। तो स्ट्रेन कर लीजिएगा, इसको फिल्टर कर लीजिएगा, तो इससे क्या होता है गुड़ हमारा साफ सुथरा हो जाता है, इससे चटनी भी अच्छी बनेगी, यमी बनेगी, और गंदगी भी नहीं रहेगी गुड़ में, जो कचरा रहता है वो निकल जाएगा। इधर हमने क्या किया, जो आमचूर पाउडर था जो रखा था, करीब है 1/4 कप, तो ये हमने आमचूर पाउडर डाल दिया है। गुड़ 1 कप लिया है, ठीक है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप 1/2 कप भी ले सकते हैं, मैंने 1/4 कप लिया था, क्योंकि मैंने चीनी भी ली है और गुड़ और चीनी, एक्चुअली मैं गुड़ और चीनी इसलिए ली है, गुड़ में चीनी, क्योंकि गुड़ थोड़ा सा मेरा कम था, तो मैंने 1/4 कप गुड़ ले लिया है, वो चीनी ले ली है सॉरी, और गुड़ में 1/4 कप गुड़ कम था इसलिए मैंने उतनी ही चीनी ली है। आप चीनी स्किप कर सकते हैं, गुड़ से बना सकते हैं, और नहीं तो गुड़ नहीं तो चीनी से बना सकते हैं। मेरे चैनल पे बने रहिए दोस्तों। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर करके बताइएगा आप लोगों ने रेसिपी कैसी लगी है। इधर हमने चीनी डाल दी है, जैसे चीनी मेल्ट होगी देखिए हम सारे इसमें मसाले डालेंगे, तो इसको हिलाते रहिएगा दोस्तों, तो छोड़िए, छोड़ के जाइएगा नहीं। तो इधर हमने डाली है काली मिर्च, ठीक है, ये देखिए आप डालें टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको अच्छी लगती हो, तीखा पसंद हो चटनी, खट्टी मीठी तीखी अच्छी लगती है, थोड़ी तीखी हो। भुना जीरा है, सॉल्ट पाउडर है, काली मिर्च है, मैंने दोनों तीनों चीज़ें डाल दी है। इधर ये सादा नमक है जो, और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, ये देखिए काला नमक, काला सादा दोनों डाल दिए मैंने नमक, थोड़े थोड़े आप भी डाल दीजिएगा, काला नमक डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हींग जरूर डालिएगा दोस्तों, जो मैंने स्टार्टिंग में डाली थी। इधर मैंने डाली है लाल मिर्च, जो कि तीखी वाली नहीं है, कश्मीरी मिर्च है ये, कलर वाली है, और काली मिर्च डाली थी ना इसलिए मैंने लाल मिर्च तीखी वाली नहीं डाली, तो मैंने कश्मीरी मिर्च डाल दी है, इससे कलर अच्छा आया हमारी चटनी का। देखिए कलर आ गया दोस्तों, धीरे धीरे और ज़्यादा जैसे जैसे पकती जाएगी वैसे वैसे थिक होती जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना कीजिएगा, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाती है। इधर मैंने डाल दी है किशमिश,
किशमिश डालने के बाद मैंने डाले हैं इसमें मेलन सीड्स, खरबूजे के बीज, और आपके पास हो तो डालिए, नहीं हो तो स्किप कर दीजिए। आपके पास खजूर, छुआरे, जो भी हो, जो भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग पसंद करना चाहें वो डाल सकते हैं। इधर मैंने काजू रखे थे, वो कट कर लिए थे, उनको आप साबित भी डाल सकते हैं, साबित मुंह में आएंगे इसलिए चटनी में कट करके डालिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए लग रही है ना टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी, खट्टी खट्टी मीठी चटनी, आनंद उठाइए इसका, बनाइए। और आप लोग जिस तरह से देख सकते हैं, मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है, इसकी थिकनेस देख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना कीजिएगा, गैस की फ्लेम बंद कर दीजिएगा ताकि बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए हमारी चटनी। देखिए क्योंकि ठंडी होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाती है दोस्तों, देखिए इसकी थिकनेस देख सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टोर करके रखिए, और दही बड़े, चाट, पकौड़े किसी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।